नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मैं न्यूज़ रूम से मिन्हाज आलम। कुछ बड़ी खबरों पर ले चलते हैं आपको। हाथरस यूपी में एक बड़ी घटना सामने आई है, लगातार ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हालांकि इसी मीडिया में नहीं दिखाया गया इस मुद्दे को। हाथरस की एक महादलित की बेटी के साथ रेप चार दरिंदों ने किया। उसके बाद जो है मामला जब मीडिया में आया तो तूल पकड़ा गया। हालांकि इस कांड को लेकर निर्भया के वकील सीमा कुशवाहा ने इस केस को लड़ने का लिया फैसला। आखिर ऐसे में यूपी सरकार, बीजेपी की सरकार रहने के बाद, जहां एक तरफ यूपी में बीजेपी सरकार लगातार कह रही है कि महादलित हो या सामान्य जाति के लोगों, उन्हें महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो वहीं बेहतर व्यवस्था लेकर काम कर रही है। ऐसे में क्या यूपी में योगी सरकार की लेकर व्यवस्था को लेकर जहां काम की बात है, क्या ये गुणवत्ता हो रहा है? ऐसे में सुरक्षा प्रदान को लेकर क्या यूपी में सरकार पास है? ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो बड़ी पहल थी, आज वो पूरा देश देख रहा है। पूरे देश की बदनामी हर तरफ मची हुई है। आखिर ऐसे में मनीषा बालिका, जो एक निचले समाज से ताल्लुकात रखने वाली बच्ची थी, जो महादलित की बेटी थी, आज वो इस दुनिया में नहीं रही। 11 दिन अपनी जंग लड़ती रही उन चार दरिंदों ने अभद्र व्यवहार करने के बाद, जो है रेप कर उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, गर्दन की हड्डी तोड़ दिया, जीभ काट लिया गया। उसके बाद आखिरी सांस तक अपनी सांसें गिनती रही और अब जा चुकी है। ऐसे में यूपी पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर यूपी पुलिस के लोग कहाँ हैं, वो खाकी वर्दी में जो गुंडे घूमते हैं। ऐसे में यूपी में भले ही योगी आदित्यनाथ का राज हो, मगर बड़ा सवाल है कि आखिर उनके परिवार से ले अलग कर उस बच्ची की अंतिम संस्कार कर दी जाती है रात के अंधेरे में। क्या यही है पुलिस प्रशासन का रोल? क्या यही है योगी राज में ऐसी व्यवस्था? ऐसे में भले ही जहां बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बेहतर व्यवस्था बदलने की बात करता हो, महिलाओं को समान सुरक्षा देने की बात करता हो, तो आखिर कहाँ है? ऐसे दरिंदों के लिए अब तक कोई बड़ी एजेंडाएं नहीं दिख रही है। भले ही यूपी में योगी आदित्यनाथ अपनी व्यवस्था को बरकरार बताते हों, ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कहाँ है ऐसे लोग जो आज भी बीजेपी लेके झंडा चलते हैं, बीजेपी के झंडा को लेकर लगातार व्यवस्था बदलने की बात करता हो। बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनकर देश में घूम रही है जो बड़े ही शर्मनाक है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस जाने के लिए जब दिल्ली से चले, तो यूपी की गाजियाबाद में यूपी पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार की गई। हालांकि ताक झोंक में राहुल गांधी को धकेल दिया गया, जिसके कारण वो गिर गए और चोटें भी आई। ऐसे में क्या यूपी पुलिस की गुंडागर्दी, ये चेहरे सामने आ गए? ऐसे में बड़ा सवाल है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर खाकी वर्दी में घूमने वाले पुलिस प्रशासन गुंडा बनकर के घूमेंगे तो लोग कहाँ सुरक्षित है? हालांकि देश के बड़ी पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ इस तरह का व्यवहार जब कर रहे हो, तो आम नागरिक कहाँ सेफ है और कहाँ व्यवस्था है? ऐसे में यूपी पुलिस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ के व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ कैसे अपनी व्यवस्थाओं को लेकर काम कर रहे हैं। बताते चले, राहुल गांधी गिर जाने के बाद उनको पुलिस हिरासत में लिया गया, फिर कुछ देर के बाद उन्हें छोड़ा गया, तो वहीं प्रियंका गांधी एवं राहुल गांधी धरने स्थल पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करें। आखिर ऐसे में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लगातार कई दिग्गज नेताएं कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके लिए यही व्यवस्था है? यूपी सरकार इस चीज को छुपाने के लिए, अपनी लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए इस तरह की व्यवहार कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था ऐसी ही होंगे? क्या हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा करना लाजमी नहीं है? ऐसे में हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है और कैसे व्यवस्था में काम कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर को खुलेआम कुचल दिया जाता है। क्या यही पुलिस खाकी वर्दी में घूमने वाले गुंडा जो आज भी देश की दिशा निर्देश कैसे बदल रहे हैं? अफसोस की बात है कि एक बच्ची अपने इंसाफ के लिए गुहार लगाती है, मगर अब क्या होता है, इस देश में इंसाफ कैसे मिलेगा? अब देखना यह है निर्भया केस को लेकर। वहीं सीमा
कुशवाहा ने केस को जीत दिलाई निर्भया के चारों अपराधियों को फांसी की सजा दिलवाई थी। अब निर्भया केस के बाद अब मनीषा के केस को लड़ने का किया फैसला, बड़ी खबर। चलिए ले चलते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में नीतीश सुशासन राज्य में विकास को लेकर वोट मांगने की ढिंढोरा चल रहा है। सड़कों की हालत जर्जर अवस्था में है, सुशासन राज्य में क्या व्यवस्था बदल रही है? ऐसे में नीतीश सरकार के विधायक गण लगातार व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं, बेहतर विकास हुआ है बिहार में? ऐसे में कई ऐसे सड़कें हैं जो किशनगंज से जुड़े हुए हैं, सड़कें 6 महीने पहले बनाया गया, अब उखड़ कर खत्म हो चुके हैं, क्या ये व्यवस्था है? ऐसे में सुशासन राज में अगर व्यवस्था है तो फिर कहाँ है सड़कें, ऐसे कहाँ की सड़कें, क्या यही सरकार की नीति है? बिहार में लोग आए दिन बाढ़ से लौपत रहते हैं, यानी बाढ़ के चपेट में आए दिन कई ऐसे जिला हैं जो बाढ़ से चपेटे हुए रहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बिहार के किशनगंज मटिहारी मालीटोला गांव जो आज भी नदी के चपेट में है, दर्जनों घर नदी के कट जाने से समाज जा चुका है, क्या इसमें व्यवस्था है? एक तरफ एजुकेशन पर बात करती है नीतीश सरकार, वहीं एजुकेशन पर आप देख सकते हैं कि भावनाएं कैसी हैं। बहादुरगंज के नेहरू कॉलेज के बिल्डिंग को दिखा रहे हैं हम तस्वीर पर, क्या ये बेहतर व्यवस्था है? बिल्डिंग को लेकर कैसे काम कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं, छात्र अपने कैसे एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इस बिल्डिंग की जर्जर अवस्था में देखने के बाद लगता है कि ऐसे में भले ही सुशासन राज में ढिंढोरा पिट रहा हो, खाना पूर्ति हो रहा हो, ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, बिल्डिंग की हालत जर्जर अवस्था में, कहाँ है विकास और किस तरह से हुआ है विकास? सुशासन राज के लोग लगातार विकास के नाम पर एक ढिंढोरा पिट रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार में अगर सुशासन राज में विकास हुआ है तो कॉलेजों की हालत जर्जर अवस्था में क्यों? कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो बने हुए हैं, हॉस्टल बने हुए हैं, वहाँ बच्चे रहने का व्यवस्था नहीं, तो इससे क्या जाहिर होता है कि सुशासन राज में सिर्फ खाना पूर्ति की गई है? बताते चले कि नेहरू कॉलेज में अब भी 20 से 22 एकड़ की जमीन खाली पड़ी हुई है, बिल्डिंग्स की जरूरत है, भवन पुराने हैं, जर्जर अवस्था में है, क्या यही विकास है? सुशासन राज में तेजी विकास दिखाया जा रहा है, क्या ऐसी विकास में क्या गुणवत्ता लाई है? ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, मगर प्रशासन की ओर से लेकर सरकार के लोगों तक यही विकास को लेकर खाना पूर्ति की जाती है। टेराकाच ब्लॉक के जहां एक आज भी ऐसी सड़क है, भीषण 2017 भीषण बाढ़ से सड़क तबाह हुआ था, ये सड़क की हालत जर्जर अवस्था में है। बेनुगढ़ टीला से बेनुगढ़ गांव जाने वाली सड़क जर्जर अवस्था में, भीषण 17 के बाढ़ में तबाह हुआ था, अब तक नहीं बन पाया ये सड़कें, क्या यही है सुशासन राज की व्यवस्था? ऐसे में भले ही नीतीश कुमार खाना पूर्ति करने में लगे हों, नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। आने वाले चुनाव में देखना यह है कि जनता तय करेगी कौन सत्ता में होंगे और कौन सत्ता से बाहर होंगे, क्या व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा सवाल तो खड़ा होता है। नीतीश भले ही अपनी व्यवस्थाओं को लेकर काम कर रही हो, नीतीश सरकार में हर चीज व्यवस्था बेहतर दिखाया जाता हो, यह है सुशासन राज की बड़ी कहानी। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर, मैं न्यूज रूम से।